बहुत ही आराम से निकालेंगे। जो हमारा जो नीचे का शोल्डर होता है ना मेन दोस्तों, उसका वेट होता है, और जो मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी उस चीज़ का यूज़ करते रहेंगे और बहुत ही आराम आराम से इसको आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने सैमसंग का नोट 4 है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मॉडल नंबर आपको दिख रहा होगा, सैमसंग नोट 4 है। तो इसके आज हम ये जो IC है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, प्रॉपर आपको दिखाएंगे। सैमसंग का नोट 4 है, पूरी वीडियो को प्रॉपर अच्छे से देखना और आपको एक एक चीज़ बताऊंगा किस तरीके से निकालेंगे हम इसको और किस तरीके से रिवॉल्व भी करेंगे। कोशिश करूंगा पूरी वीडियो इसके अंदर कंप्लीट करके देखूं। तो दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम इसके अंदर ही है, ठीक है ना, ये लीकेज है, शॉर्टिंग है, हल्का हल्का ही हीट दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं इसलिए रिवॉल्व करूँ। तो अभी ये डबल डेकर में भी है और प्लस आपको थोड़ी नॉलेज भी होगी कि कैसे इसको हम निकालेंगे। तो वीडियो प्रॉपर पूरी देखना, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर भी दिखाएंगे आपको एक एक चीज़, ठीक है ना, कौन कौन से टूल यूज़ होने वाले हैं इस पूरी प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है ना। तो वीडियो प्रॉपर देखना, और आपको हमारे अगर इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है तो जो नीचे आप नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप अपना व्हाट्सएप कर दें, आपका अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और कोर्स लिख दें, या सिर्फ मोबाइल कोर्स टाइप करके आप हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको अपने कोर्स की फ़ीस जो कोर्स की डिटेल है वो पूरी सेंड कर देंगे कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या समझाया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले हमेशा जो बोलता हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें दोस्तों। बेल आइकन के ऊपर जो ऑल बटन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आती रहे और आप मोबाइल का काम सीखते रहें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैमसंग का नोट 4, सैमसंग नोट 4 910G। ये देखिए सैमसंग का 910G है, ठीक है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे इसका प्रोसेसिंग होगा। अभी बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, आप देख सकते हैं, अभी बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, बट ये हीट कर रहा है, ठीक है ना, और ऑन भी नहीं हो रहा। तो आपको मैं प्रॉपर इसके अंदर दिखाऊंगा कैसे होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पर आराम से देखना किस तरीके से मैं करा रहा हूँ। थोड़ा सा फास्ट जरूर करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है और आप लोगों को समझ नहीं आती, और थोड़ा वीडियो लंबी होने के कारण लोग देखते नहीं हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ और मैं साथ साथ बताता भी जाऊँगा आपको कि वीडियो के अंदर हम क्या क्या बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर अभी हम शील्ड जो निकालेंगे, जो साइडों की शील्ड है, इसको हम रिमूव करेंगे, ठीक है ना। इसको रिमूव करने के लिए हम चारों तरफ हल्का हल्का फ्लेक्स डालेंगे, और जो हीट रखेंगे हम 300 के आसपास हीट रखेंगे, और जो हीट रखेंगे वो हम सिर्फ बोर्ड पे हीट लगाएंगे ताकि जो हमारी शील्ड है वो बाहर निकल आए, ठीक है ना। ये पहला प्रोसीजर रहता है, क्योंकि हमारी जो शील्ड होती है वो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जो ये डबल डेकर है इसको हम साइडों से कैसे कटिंग करेंगे अगर शील्ड नहीं निकालेंगे। अगर ये EMMC होती तो हम इसको एज ए टीज ही निकाल पाते, बट शील्ड को हम निकालना ज़रूरी है। ये तो रही पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर है दोस्तों, हम इस शील्ड को हम रिमूव करेंगे। पहले रिमूव करने के बाद हम IC के ऊपर हल्का सा फ्लेक्स डालेंगे। फ्लेक्स डालने के बाद दोस्तों, ब्लेड को जो हम इस तरीके से चलाएंगे और जो हीट रखेंगे, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को प्रॉपर अंत तक देखते रहना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है जो भी बिगिनर होते हैं वो हमारी वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ सीख के जाए, समझ के जाए। तो वीडियो को प्रॉपर अंत तक देखना, थोड़ा वॉइस में कोऑपरेट करना थोड़ा दोस्तों। आप देख सकते हैं साइडों में मैं इसको हल्का हल्का पेस्ट लगा रहा हूँ, ठीक है ना, और उसकी हम साइडों की कटिंग करेंगे। साइडों में कटिंग करने के बाद, उसके बाद दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम जो ब्लेड है इस तरीके से सेंटर पे लगाएंगे, और जहाँ जहाँ जब जब ब्लेड आगे पहुँचाना है दोस्तों, हीट को भी आगे लगाना है, और हीट 350 के आसपास रखनी है और एयर 2 से 3 के बीच में रखनी है। आप देखिए बिल्कुल भी ट्रैक ओपन नहीं हुआ, कोई भी ट्रैक टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और इसको हम क्लीनिंग कैसे करेंगे मैं क्लीनिंग प्रोसेस भी बता रहा हूँ आपको, देखते रहना वीडियो को प्रॉपर। इस तरीके से हम इसके अंदर फ्लेक्स और PPD पेस्ट हम हल्का हल्का लगाएंगे इसके ऊपर, और उसके बाद हम आयरन का यूज़ करेंगे,
थोड़ा सा पीपीटी लगाएंगे और आयरन का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारे जो नीचे के ट्रैक हैं वो प्रॉपर सोल्ड हो जाए, थोड़ा बहुत कच्चापन रह जाता है वो हमारा पक्का हो जाता है। दोस्तों अगर चैनल पे नए आए हैं, अगर आपको 1% भी समझ में आया है, कुछ हेल्प होती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी लिखा हुआ है और जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल मांग सकते हैं, सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग ही टाइप करें। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको सोल्ड कर दिया है, अब इसके ऊपर जो पेस्ट है इसको हम 200 और 250 के बीच में हम हीट रखेंगे और एयर वन रखेंगे और इस तरीके से कटिंग करेंगे जो पेस्ट है, जो ऊपर की जो ब्लैक पेस्ट है उसको, वाइट जो पेस्ट होती है हमारी इसके अंदर, वो क्लीन करेंगे हम, ठीक है ना। उस तरीके से क्लीन करेंगे कि नीचे के ट्रैक ओपन नहीं होने चाहिए, और वैसे सेम प्रोसीजर हम आईसी के अंदर में भी करेंगे।